अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे लेक्चर की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भाई ब्लॉगर पे हमने कैसे साइन अप करना है, ब्लॉगर पे कैसे हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और ब्लॉगर कैसे डिज़ाइन करना है, और ब्लॉगर के जितने भी उसमें जो जो टर्म्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये इसमें होता क्या और कैसे हम इसको ले कर चलेंगे, ठीक है। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, मेरे ग्रुप में मोटिवेट किया, यूट्यूब चैनल पे जो मेरी पहली वीडियो थी मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके इस बेल के निशान को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर लें ताकि मेरी जब भी कोई मतलब न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जीमेल बनानी है, मेरे पास ऑलरेडी जीमेल बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है ब्लॉगर डॉट कॉम पर, मैं एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ, BLOGGER ब्लॉगर ब्लॉगर लिखेंगे तो आ जाएगा सामने, तो इस पर क्लिक करेंगे आप ब्लॉगर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये ईमेल है, मैं इसे साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे दूंगा, लाइक कंटिन्यू टू ब्लॉग, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे और ये लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइटल देंगे, मतलब टाइटल यहाँ पे वो देना है लाइक आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आपने किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है, ठीक है। जिस चीज़ का पहली बात मैं बता दूँ, जिस चीज़ का आपको शौक है ना उसी चीज़ को लेके चलना, क्योंकि बाद में आपके लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे। जब आप कॉपी पेस्ट करना शुरू करेंगे तो फिर गूगल कहेगा ये इसके ऊपर यूनिक चीज़ नहीं है, इसको इसको एडसेंस के ऊपर अप्रूवल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर तो अप्रूवल लेनी है तो आपने एक यूनिक चीज़ के साथ आना है, ठीक है। यूनिक चीज़ मतलब कुछ भी यूनिक हो सकती है, ठीक है। जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक है वो उस चीज़ के साथ आए, उसके ऊपर आर्टिकल लिखे। अगर यूनिक होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर यूनिक नहीं होगा, अगर आप कॉपी पेस्ट करके काम करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। और ये चीज़ मैं पहले बता दूँ, ये गूगल के जिनसे बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा चीज़ ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लाइक मैं मेरा ई फॉर अर्न है तो मैं ई फॉर अर्न ही दे देता हूँ, ई फॉर अर्न, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसका वेब एड्रेस मतलब लाइक जैसे फेसबुक डॉट कॉम है, ठीक है। फेसबुक डॉट कॉम की तरह ये हमारा URL होगा लेकिन इसमें डॉट ब्लॉग फॉर डॉट कॉम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉगर खुद दे रहा है, कस्टम डोमेन नहीं है आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ई फॉर अर्न डॉट ब्लॉग फॉर डॉट कॉम, चेक करेगा ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ई फॉर अर्न 007 ये मिल गया, ठीक है। तो हम ये इसके ऊपर ये टिक लग गया तो ये हमें मिल रहा है। स्टार्टिंग में वो खुद एक प्री सजेस्टेड थीम वो देगा, ठीक है। मैंने क्रिएट कर लिया, लो जी ये हमारा ब्लॉग बन गया। अब अगर हमने अपने ब्लॉग को देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये लिखा हुआ है व्यू ब्लॉग, ये व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग है जी, ई फॉर अर्न के नाम से, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छा जी ये हो गया। अब मैं आपको पहले बेसिक टर्म्स इसकी बता दूँ, लाइक इसमें होता क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले पोस्ट है, पोस्ट कर यहाँ से हम न्यू पोस्ट करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, सब कुछ सिखाऊंगा लेकिन एक तरतीब से। लेकिन अभी मैं इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये इसमें जो टर्म्स हैं ये सारी इसमें करना क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ से पोस्ट करेंगे, आगे चलते हैं। ये स्टैट्स हैं, ये आपको स्टैट्स यहाँ पे दिखाएगा कि आपके इस ब्लॉग के ऊपर कितनी पेज व्यूज आए हैं आज के, कल के, परसों के, एक हफ्ते के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पोस्ट के ऊपर बताया गया कि कौन सी पोस्ट आपकी वायरल हुई है या किस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद ट्रैफिक सोर्स बताएगा, ठीक है, जो कि अभी हमारा न्यू ब्लॉग बना था इसके ऊपर कुछ भी ऑडियंस बताएगा कि किस जगह की ऑडियंस है, ठीक है। मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही है और कौन से क्रोम ब्राउजर है, कौन सा है क्या है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स जो होंगे, कमेंट्स आपको आया करेंगे जो भी ब्लॉग के ऊपर, जो भी वेबसाइट के ऊपर आएगा वो अगर आपकी चीज़ अच्छी लगेगी उसके ऊपर कमेंट करेगा, ठीक है। तो अर्निंग, अर्निंग वाला सीन ये यहाँ पे गूगल एडसेंस के साथ ही कनेक्ट करें। सबसे पहले आज से तकरीबन साल पहले की बात है कि जब यहाँ पे इस ब्लॉगर के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर जब आपके कुछ पोस्ट आप लिख लेते थे, तकरीबन कोई 10-15 पोस्ट लिख लेते थे तो ये यहाँ पर खुद ही अर्निंग वाला टैप शो हो जाता, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अब इसके
इसको अटैच करने के लिए हम अलग से हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का तरीका मैं आपको बताऊंगा जब आप इसके ऊपर तकरीबन कोई 30 पोस्ट लिख लोगे और इनकी लेंथ तकरीबन होगी 800 to 1200 वर्ड्स की, ठीक है। इतने के आर्टिकल जब आप लिख लोगे तकरीबन कोई 30 ही आर्टिकल, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगला पेजेस, पेजेस आपने क्रिएट करने के पेजेस, हाँ इस पेजेस जो होते हैं ना, तो इसमें 3-4 जो से पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं अगर गूगल के लिए आपने अप्लाई करना। अगर वो आप नहीं बनाएंगे तो आपका अकाउंट, मतलब आपको वो जो है ना गूगल एडसेंस वाले बार बार रिजेक्ट करेंगे, कहेंगे नहीं तुमने हमारी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं आप हमारी कर रहे, ठीक है। उसके लिए जिनसे होते हैं ना कॉन्टेक्ट अस, एक अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, ये 5 पेज होना लाजमी है। ये 5 पेज नहीं होंगे तो फिर आपको एडसेंस ना वो अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। ये हम बनाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाने, ठीक है। बाकी आ जाते हैं लेआउट पे। ये लेआउट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जी, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं सिखाऊंगा आपको, इसका भी सिखाऊंगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ एक, ठीक है। ये थीम है, थीम अगर चेंज करनी हो तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ये थीम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये वाली लगानी हो तो ये वाली, ठीक है। नहीं तो फिर आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं एक प्यारी सी थीम्स आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी सेटिंग पे आ जाते हैं। सेटिंग पे आने के बाद ये यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, अगर किसी ने टाइटल चेंज करना हो तो यहाँ से आकर टाइटल चेंज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। तकरीबन 500 वर्ड की होनी चाहिए, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। फिलहाल मैं थोड़ी सी लिखूंगा, बाद में ये आप लोग 500 की पूरी कर लेना, ठीक है। दिस साइट इज़ अबाउट अर्निंग एंड लर्निंग, मैंने थोड़ी सी वैसे आपको बताने के लिए मैंने लिखी है, ठीक है। लेकिन 500 आप लिख लेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, प्राइवेसी पॉलिसी, लेट सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग, यस हमें हमें सर्च करना ही चाहिए, ठीक है। ये होगा, उसके बाद ये HTTPS का आपको वहाँ पे आ रहा होगा, इसको अपने यस पे रखना है। HTTPS का मतलब होता है facebook.com, ये देख रहे हैं। HTTPS का मतलब ये होता है कि आपकी एक सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। मतलब एक इसका मतलब ये होता है SSL सर्टिफिकेट एक होता है, ठीक है। वो मतलब आप सर्ट के ऊपर लगा होता है, कहीं वेबसाइट के ऊपर नहीं लगा तो इसका मतलब होता है ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। जिन जो ब्लॉगर होता है ना, ये आपको खुद ही SSL सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। तो अगर नो हुआ हुआ तो उसके ऊपर यस कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग पे। मेन पेज के ऊपर आपने कितनी पोस्ट शो करवानी है, मेन पेज कौन सा होता है, ये मेन पेज होता है, ठीक है। ये मेन पेज, यहाँ पे आपने कितनी पोस्ट शो करवानी है वो ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन को रहने दें, वो कैन कमेंट, गूगल अकाउंट वाले सिर्फ कमेंट करें, एनी वाले कोई भी आके कमेंट ना करे, ठीक है, जिसे गूगल अकाउंट हो वही करे। उसके बाद क्योंकि इससे ये होगा ना कि एम ही लोग आएंगे, अगर आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा रैंक करके तो लोग आपके आपकी वेबसाइट के ऊपर आके बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए गूगल, इसको गूगल ही रहने दें, मैं ये सजेस्ट करूँगा। उसके बाद लैंग्वेज एंड, हाँ ठीक है, इसको चेंज कर लें। आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाला टाइम सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। GMT हमारा होता है G5 होता है, +5, ठीक है। वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इस्लामाबाद, कराची इस्लामाबाद होगा यहाँ पे, ये कराची, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये ना टाइम जो था ना हमारा, वो वाला जो पोस्टिंग टाइम जो था ना, वो हमारा वही सेम रखेगा। इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्च प्रेफरेंसेस, इसको रखना, ऑन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपने वेबसाइट को रैंक करना है। इसके ऊपर यस करके यहाँ पे भी वही हम 5, मतलब यहाँ पे हमने 150 करेक्टर्स का, मतलब 150 करेक्टर्स में हमने लिखना है, ठीक है। मैं इसमें भी थोड़ा सा लिख देता हूँ अर्निंग एंड अर्निंग, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बस ये लिख दिया, आप लोग मैं बताऊँगा इस चीज़ को ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा कि आपने कैसा मतलब अच्छे से इसमें लिखना था, ठीक है। ये मैंने कर दिया। कस्टम पेज नॉट फाउंड, नहीं ये हमने लिखना। कस्टम रिडायरेक्ट आप करवा सकते हैं लेकिन हम ये करवाएंगे नहीं, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल पे, ये मैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं, ये सारा कनेक्टेड है SEO के साथ, ठीक है। आपने अपने गूगल के ऊपर आपने अपनी पोस्ट कौन सी है वो शो करवानी है, क्या वो सीन, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। और ये और नीचे रिपोर्ट डाटा ये इसी के साथ बिलोंग करता है तो ये उसी के साथ आएगी, ठीक हो गया। अब हम ये कर लेते हैं कस्टम रोबोट एडिटर, इसके ऊपर हम यस करेंगे। वार्निंग ये है कि जिस बंदे को इस चीज़ का नहीं पता तो वो इसकी सेटिंग्स को ना छेड़े, जिस तरह मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो वाली सेटिंग्स करते। और अगर किसी बंदे को इसके बारे में नहीं पता
तो वो बंदा अपनी तरफ से कोई भी सेटिंग ना करे, क्योंकि ये आपकी जैसी पोस्ट होंगी ना, वो वहाँ पे जाने नहीं देगा, गूगल के ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। मतलब कोई पोस्ट अगर आप कर देंगे तो वो वहाँ पे गूगल पे शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो सेटिंग होती है वो मैं आपको, जो जो सेटिंग मैं करूँगा आप बिल्कुल वैसी सेटिंग कर दो, ताकि मतलब काम ना ख़राब हो आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये मैंने ओपन किया, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर होम पेज होता है ना, उसको ऑल होम पेज के ऊपर जो भी होगा वो सारा हमने शो करवाना है गूगल में, इसका मतलब ये समझा रहा था सर, ठीक है। ये उसको ऑल पे करना है, उसके बाद नो डीपी करना है, डीपी करना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे आर्काइव एंड सर्च पेजेस, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, नो इंडेक्स और नो डीपी। उसके बाद नीचे आ जाए डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस, इसके ऊपर आपने क्या करना है, ऑल जितने भी पोस्ट हैं जितने भी पेजेस हैं वो सारे हमने रैंक करवाने हैं, मतलब सारे हमने शो करवाने हैं उसके ऊपर गूगल के ऊपर, उसके ऊपर नो डीपी कर देना, ठीक है। ये सेटिंग एक दफ़ा फिर से देख लें, जब आप ओपन करेंगे यस करेंगे, उसके बाद आर नो डी बी, नो डी बी, उसके बाद आर्काइव एंड सर्च पेजेस पे आपने नॉन नो इंडेक्स और नो डी बी, उसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट पे आपने करना है आल, और उसके बाद ये करना है नो डी बी, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर गूगल की एसईओ अगर आपने अपने ब्लॉगर की एसईओ आपने करनी है। ये कस्टम एड्स डॉट टी एक्स टी, इसका काम अभी नहीं, क्योंकि आपकी मोनेटाइजेशन अभी इनेबल नहीं है। मोनेटाइजेशन मतलब आपको अभी एडसेंस आपका कनेक्ट नहीं हो, आपको अप्रूवल नहीं मिली, तो ये बात की बात है। जब आप आएंगे अदर्स में चले जाते हैं, अदर्स में क्या, अदर्स में अगर आपने आपके पास अगर किसी वेबसाइट का आपके पास XML फाइल, इसमें XML फाइल होती है, ठीक है, अगर वो पड़ा हो तो आपने इम्पोर्ट अपना कॉन्टेंट इम्पोर्ट कर सकते हैं और बैकअप भी ले सकते हैं कॉन्टेंट का अपना, अगर आपने जैसा ब्लॉग अपना है ना किसी और डोमेन के ऊपर या किसी और उसके ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। या आपने ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे जाना है तो यहाँ पे बैकअप लेके आप उधर वर्डप्रेस पे जाके वहाँ पे भी एक प्लगइन के जरिए आप उसको हम अपलोड करके तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉगर को वर्डप्रेस के ऊपर। अगर आप कहेंगे अगर किसी बंदे को अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस के ऊपर कन्वर्ट करना है तो उसकी अगर वीडियो चाहिए हुई तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हम सबसे जैसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अपना ब्लॉग, ठीक है, और यूज़र सेटिंग में देख लेते हैं बस, ठीक है, और इतना ऐसा खास इसमें कोई नहीं था। तो आज मैंने ये सारा कवर कर लिया कि हमने क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैंने आपको सारा बताया, ठीक है, और पोस्ट कैसे लिखनी है नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे पोस्ट कैसे लिखनी है, ठीक है। प्लस पोस्ट से पहले मैं आपको एक डिज़ाइनिंग का बताऊंगा कि अपने एक मैं टेम्पलेट आपको दे दूंगा, ठीक है। टेम्पलेट मैं खुद भी इसके ऊपर, मतलब टेम्पलेट का मतलब थीम, यहाँ पे मैं कस्टम थीम अपनी एक होती है ना वो इसके ऊपर अपलोड करके आपको उसको डिज़ाइन करके मतलब पप्पू सा बनाऊंगा ना ब्लॉग, ताकि लोग देखें, लोगों को तो भी पता चले कि भाई ब्लॉग बना, वेबसाइट बनी है, क्या बात है भाई, ठीक है। तो एक डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो डिज़ाइनिंग पे आएगी, प्लस पोस्ट पे आएगी, ठीक है। दोनों ये दोनों एक ही वीडियो में होंगे, ठीक है, जो कि मैं अभी बना लूँगा लेकिन ये आएगी बाद में, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, जिस जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो वो नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जिन जो लोग अभी मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमने शेयरिंग करनी है, ठीक है। शेयरिंग करेंगे तो लोगों को पता लगेगा, तो लोगों को पता लगेगा तो उनकी लर्निंग होगी, लर्निंग होगी तो फिर उसके बाद में जाके अर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ उन क्वेश्चंस के ऊपर जो लोगों ने मुझसे पूछे थे फेसबुक ग्रुप में, जो कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर करूंगा, तो अभी मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। चाहिए मैंने पॉज की थी कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन अभी 10:20 हो गए, क्योंकि अभी एडिटिंग भी इसको करनी होती है, तो 3 बजे का मैंने टाइम इसलिए दिया था, ठीक है। यार एक तो मुझे समझ नहीं आती, तकरीबन ये क्या 560 मेंबर हो गए हैं और पोस्ट के ऊपर लाइक कितने आए हैं जी, 30, तो फिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। मतलब कोई आप सीरियस कोई नहीं है, कुछ चंद एक लोग हैं वो मेरे माइंड में, उनका नाम है इंशाल्लाह, उनके साथ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मतलब मेरी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब शेब भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने 46 आर्टिकल लिखनी है 470 से लेकर 650 वर्ड्स के, उनके एवरेज के हिसाब से उसने ना कीवर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर अप्रूवल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, अगर तो वो कॉपी पेस्ट वर्क है तो
तो अप्रूवल नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी अभी इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अप्रूवल नहीं, अगर आपका यूनिक कंटेंट है तो आपको अप्रूवल 100% मिलेगी, और अगर आपने कुछ भी कॉपी नहीं किया तो आपको अप्रूवल मिलेगी ही मिलेगी। एक क्वेश्चन ये खत्म हुआ, आगे चलते हैं। और सर कस्टमाइजेशन का टॉपिक कौन सा आएगा? ये कस्टमाइजेशन का टॉपिक मेरे भाई इस तरह आएगा, वेबसाइट को कैसे आपने कस्टमाइज करना है ये होगा, प्लस डोमेन लगाना। हाँ, डोमेन परचेज करके मैं दिखाऊंगा आपको सस्ती डोमेन, बिल्कुल सस्ती गोडैडी से करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक गोडैडी वाली, इसको कैसे आपने डोमेन को कैसे ब्लॉगर के साथ अटैच करना है, एक ये हो जाएगा इसके ऊपर। दूसरा टेम्पलेट की एजेंसी होगी ना, मतलब थीम जो सी कस्टमाइजेशन होगी, मतलब वेबसाइट जो सी कस्टमाइज करेंगे, किसके ऊपर टॉपिक होगा, ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन खत्म, नीचे चलते हैं। ब्रो मैं वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे कैसे, बिल्कुल आराम से लेके चल रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर मैं अगर चाहता अभी तो मैं ये अभी क्या है इसका नाम है थीम भी कस्टमाइज़ कर लेता, लेकिन नहीं, मैंने अभी सिर्फ ओवरव्यू एक दिया, ठीक है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आराम आराम से लेकर चलूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक हो गया। एलन ब्रो आई एम वेरी सॉरी, माई वीडियो इज टोटली इन उर्दू, आई कैनॉट हेल्प यू, यू जस्ट फॉलो मी ऑन माई वीडियोज, ओके। कैसे भाई कहते हैं जिन चला दिन मुझे, ठीक है, गुड हो गया। और किसी का क्वेश्चन, हाँ एक सजेशन थी, बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई मैं लगाऊंगा, मैं आपको पहले इसकी रीजन दे चुका हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की एक बड़ी वजह ये है कि भाई बैज जो शोर हो रहा था ना, उससे वो शोर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जिन लोगों ने कमेंट की, इंशाल्लाह इनके इनके साथ तो बहुत अच्छी मेरी कोऑर्डिनेशन रहेगी इंशाल्लाह। बाकी और ठीक हो गया। अच्छा जी, इन्होंने कमेंट किया बकवास अली, किस तरह का कंटेंट लिखना चाहिए फॉर एडसेंस प्रो। ये मैं शुरू में मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिक चीज़ होगी तो गूगल अप्रिशिएट करेगा, गूगल आपको अप्रूवल देगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले बताता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता ना, जब आप ये सारा बन जाएगा ना, काम उन्हीं लोगों ने करना है जो अपनी इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आए हुए, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी अपनी इंटरेस्ट के ऊपर, वो आर्टिकल पे आर्टिकल, आर्टिकल पे आर्टिकल डालेंगे, ठीक है। जिनको नहीं होगी वो एक आर्टिकल डाल के कहेंगे और चल बच्चे आप कॉपी पेस्ट करते हैं, आओ जरा इसकी वेबसाइट पर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनको सारे तंत्र, उनको सारे पता होंगे कि भाई कैसे कर, मुझे भी तंत्र सारे पड़ता है कि कैसे आपने कॉपी करना है, कैसे क्या करना है और कैसे इसको यूनिक बनाना, वो सब मुझे पता है। लेकिन मैं आपको एक वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि मतलब आप एक अच्छी चीज़ सीखें, आप कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें। कॉपी पेस्ट वाले से, कॉपी पेस्ट से भी वेबसाइटें चल जाती हैं, ठीक है, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं। कॉपी पेस्ट करके छोटी सी एग्जांपल, कॉपी पेस्ट की हुई ये साइट है मेरे पास, ठीक है, ये वेबसाइट टोटली कॉपी पेस्ट की हुई थी, कॉपी पेस्ट कर करके बनाई थी, और तकरीबन इसके ऊपर अप्रूवल नहीं लेनी थी मुझे, ठीक है। अप्रूवल मतलब ये पड़ी हुई थी मुझे, को भूलना बना बन हो के मैं भूल गया था, ठीक है। फिर मैंने कहा भाईजान क्यों ना अभी पड़ी हुई है इसको क्या नाम है अप्लाई कर देते हैं। तो जनाब इसको अप्लाई किया और मुझे जिसके ऊपर अप्रूवल नहीं लेनी थी उसके ऊपर मुझे अप्रूवल मिल गई, जिसके ऊपर मुझे अप्रूवल लेनी थी और वो उसके ऊपर मैं आज तक अभी मतलब उसमें काफ़ी वायलेशन मैंने की थी इसलिए वो उसके ऊपर मुझे अप्रूवल नहीं मिल सकी, लेकिन बाकी वेबसाइट के ऊपर मुझे अप्रूवल मिली है, ठीक है। तो अच्छा और क्वेश्चन क्या है जी, कैन आई गेट माई एडसेंस लिंक विद ब्लॉगर विद द डोमेन बाय एन ओपन सोर्स और फ्री वर्डप्रेस डोमेन। वर्डप्रेस की डोमेन के साथ आप कैसे लिंक कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन की, ठीक है। वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस जो आप सजेस्ट करेगा, जैसे इसने अभी ब्लॉगर पे मैंने बनाया था ब्लॉगर डॉट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, उसने खुद ही दी है, ठीक है। हमारा क्या था, ई फॉर अर्न 007.blogspot.com, ये था ना हमारा। तो इसी तरह वर्डप्रेस को भी अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो वो भी .wordpress.com देगा अपने पास से। तो वर्डप्रेस को आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके लिए आपको कस्टम डोमेन कहाँ से बाय करनी पड़ती है, वो मैंने बताया था। गो डैडी से आप परचेज करेंगे, ये मैं सिखा दूंगा कैसे परचेज करनी है, ठीक है, आपको बता दूंगा कैसे परचेज करनी है यहाँ से हम। और नेमचीप से भी हो जाती है, लेकिन नेमचीप का ये रोल है कि भाई उसके लिए आपको पास मास्टर कार्ड होना चाहिए या पेपाल होना चाहिए। पेपाल पाकिस्तान में जो नहीं है, मतलब जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो तंत्र दोनों बड़े तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही समझ, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेमचीप में अगर आप कर लेंगे ना, ठीक है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप रिन्यूअल करेंगे फिर आप लेटर लेकर चलेंगे, यार भाई यार मेरे पेपाल में भेज दे यार पैसे, भाई भाई प्लीज़ डॉलर भेज दे, मैंने रिन्यूअल करवानी है यार ये है वो है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका चक्कर, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है पहले, ठीक है। मुझे पेपाल में डॉलर चाहिए थे, मैंने एक अपनी डोमेन रिन्यूअल करवानी थी, तो मैंने बोल दो। एक तो मसला ये ना पाकिस्तान में कि आपको ट्रस्टेड बंदा नहीं मिलता, ठीक है,
सबसे बड़ी ये बात है, जुगाड़ बहुत ज़्यादा है और 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, लोगों को बस पैसे मिल जाते हैं उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ऑलरेडी जो है उसके ऊपर आप कोई भी मास्टर कार्ड अपना लगा लें, कोई भी वीज़ा कार्ड लगा लें, कोई भी डेबिट कार्ड लगा लें, कोई भी मतलब लगा के आराम से आप परचेज कर सकते हैं ऑलरेडी के ऊपर, रिन्यूअल भी आराम से हो जाती है। ठीक है, और जी और इसके बाद भी क्वेश्चन ही है तो अभी, हाँ एक ये मैं इन भाई का बता दूँ, कल इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई मेरे वेबसाइट के ऊपर ना 3-4 मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर एड लिमिट लगी हुई है, तो उसका भी मैंने कल मैंने वीडियो बना ली थी इसकी। ठीक है, मैंने उसके ऊपर अपना सारा वो क्या नाम है अप्लाई मैंने मेथड कर दिया था उसके, मतलब अब जब आधी वीडियो बन गई है, मतलब कैसे हमने उसको मतलब एड लिमिट रिमूव करनी, उसके लिए जो जो काम हमें करना पड़ेगा वो मैंने कर दिया हुआ है। अब जब इसकी एड लिमिट रिमूव हो जाएगी तो मैं वीडियो बना के हाफ ओवर या इसको हाफ अटैच करके मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल बीच में ही मतलब पोस्ट कर दूंगा, ताकि उन लोगों को भी पता चलता जाए कि भाई सबसे बड़ा जो सा टॉपिक, पॉपुलर टॉपिक है ना एडसेंस, वो यही है कि एड लिमिट का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, और वो लोग नहीं बताते, बहुत से लोग नहीं बताते। अब चेक कर लो यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख लो, लोग 2 नंबरियाँ बस बता रहे होते हैं, या उन्होंने जैसे अपनी वीडियो होती है वीडियो के लाइक और डिसलाइक को उन्होंने क्या नाम है डिसेबल किया होता है, लोग देख नहीं सकते, और बहुत कम लोग इस चीज़ को बताते हैं। बेशक आप जाकर सर्च कर लेना इस बारे में। ठीक है, बाकी अभी तक के लिए मैंने सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए, और मैंने आज का जो सा ब्लॉगर के बारे में बताना था साइन अप मैंने कर लिया, ब्लॉग कैसे बनाया, उसके लिए टाइटल कैसे रखा, उसके लिए यूआरएल कैसे रखा वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना डिजाइनिंग के ऊपर होगी, और वो क्या पता कल ही मैं अपलोड कर दूँ या फिर परसों अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो अभी आज के लिए मुझे इजाज़त है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जजाकल्ला।